नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बीएससी नर्सिंग के बारे में। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है वो 13 जनवरी 2019 को ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें क्लास 12th की लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था और अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो दोस्तों, आज ऑलरेडी 5 तारीख हो चुकी है, तो इस वीक में इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। उसके अलावा वो बच्चे जो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उनका जो इंटरव्यू है वो मैं आपको बता दूं, जो इनका इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू होगा आपका अप्रैल 2019 में। उनको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। बीएससी नर्सिंग का पेपर सिर्फ और सिर्फ वो लड़कियां दे सकती हैं जो ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ रही हैं या 12th क्लास पास आउट कर चुकी हैं। और बीएससी नर्सिंग का सबसे जो बड़ा बेनिफिट ये है कि जो लड़कियां क्वालिफाई करती हैं उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की जाती है। आर्मी में, डिफेंस में जो नेम डेजिग्नेशन मिलता है, उस डेजिग्नेशन का नाम जो है वो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है। तो लड़कियों को ये पोजीशन दी जाती है डिफेंस के अंदर। डिफेंस का मतलब ये होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एमएच हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, उनके अंदर जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। आगे चलते हैं। तो अगर आप लोग रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बताया गया है कि आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए हर तरीके से संभव मदद करने की पूरी कोशिश की गई है इस वीडियो के थ्रू। जो भी आपका यूजर नेम आपने फॉर्म भरते वक्त डाला था, ये आपका पासवर्ड है और ये आपका कैप्चा कोड है। जैसे ही आप लोग डालेंगे तो आपका जो रिजल्ट है, जैसे ही आप लोग लॉग इन करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको याद होगा, और अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग अपनी मेल आईडी पर जा करके चेक कर सकते हैं जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिला था। और यहां से देखिए आपको पूरा हेल्प किया गया है कि किस तरीके से सबसे पहले आपने डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है। लिंक करने के बाद आप इस पेज पे लैंड कर जाएंगे, और अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप डायरेक्टली फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो जैसा यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको लॉग इन बटन पे क्लिक करना है। लॉग इन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अपनी डिटेल्स शेयर करनी है डैशबोर्ड के ऊपर। और उसके बाद तो देखिए, जैसे ही आप लोग ले लेते हैं, मतलब एंटर कर देते हैं, तो उसके बाद आपको कौन कौन सी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग में आपको जो है सीरियल नंबर, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन और मेरिट नंबर, ये पूरा आपको डिटेल वहां पे मिल जाएगा। और एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्टूडेंट है, हमारी जो गर्ल स्टूडेंट है, उसकी फोटो आएगी, उसका रोल नंबर आएगा, ये सारी डिटेल्स उसके पास आ जाएगी ओपन करते ही। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में, इंटरव्यू से रिलेटेड डिटेल्स, तो आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, आपको अपने साथ इंटरव्यू में जाते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो कैरी करने हैं, उसकी भी सारी डिटेल्स आपको दी गई है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, 10th पास का सर्टिफिकेट, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है। तो अप्रोक्सीमेटली 20 मेन पॉइंट्स दिए गए हैं आपको क्या क्या वहां पे लेके जाना है, तो आपको ध्यान रखना है ताकि आपको किसी भी तरह की इंटरव्यू में दिक्कत ना आए। और दोस्तों, मैं ये आपको बता दूं कि अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है, आप चाहते हो 10th के बाद डायरेक्टली 2 साल मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, 11th और 12th अगर आप 2 साल लगाना चाहते हो, तो हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल में क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, जानकारी लें कि किस तरीके से आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हो। एमएनएस का इंडिया में बहुत क्रेज है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं साइंस बैकग्राउंड की जो कि नर्सिंग में जा सकती हैं और जाना चाहती हैं, और जो लड़कियां इसमें तैयारी करती हैं उनको आगे हेल्प मिलेगी। नीट के एग्जाम में भी जो मेडिकल की लड़कियां हैं उनको आगे नीट का और एम्स का पेपर देने के लिए भी पूरा सहयोग किया जाता है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आप लोग भी पूरी कोशिश कीजिए कि सबसे पहले फॉर्म भरें और फॉर्म की जानकारी लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको
इसकी कोई भी जो डिटेल्स है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो आपसे मिस ना हो जाए। गलती से भी अगर आपकी डिटेल मिस होगी तो आपका पूरा साल खराब हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज ये कि ये गवर्नमेंट जॉब है और उसमें अप्रोक्सीमेटली जो बच्चों की जो सैलरी होती है, 4 साल का जो पूरा कोर्स होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद 1 ईयर की पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है। इवन ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको स्टाइफंड पे किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ, डिफेंस की तरफ से। और उसके बाद डायरेक्टली आपको अपॉइंट कर लिया जाता है मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन पे। तो इसका जो पूरा स्टडी मटेरियल है, अगर आप चाहते हो तो वो भी हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो पता कीजिए, अगला जो रजिस्ट्रेशन बैच है, जो हमारा नया बैच है, वो 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं इसके लिए प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं। और एक खास तरह का जो बैच है वो सिर्फ हम लोग मई में चलाते हैं, सिर्फ छुट्टियों में, जिसमें जो लड़कियां आ सकती हैं और आपको स्पेशल छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको जो है वो पूरी तैयारी कराई जाएगी सिर्फ और सिर्फ मई के महीने में। आप लोग मई और जून के महीने में 2 मंथ का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करके इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।